किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मॉनसून सत्र में संसद से पास किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम नहीं आई। तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति दी है। केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में लगातार मुखर रही। संसद में बिल का विरोध किया, फिर केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सरकार के रवैये में कोई बदलाव देखने से नाराज अकाली दल ने खुद को अब एनडीए से भी अलग कर दिया है। अकाली दल के अलावा कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने लगातार कृषि बिल का विरोध किया और राष्ट्रपति से गुजारिश भी की थी कि वो इस पर दस्तखत ना करें, लेकिन उनकी अपील किसी काम नहीं आई और अब ये जो बिल है वो कानून बन चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए विरोध प्रदर्शन भी हुए, काफी आक्रोश भी देखने को मिला, किसानों में भी कई विपक्षी दल भी उनके साथ आए, लेकिन उसके बावजूद अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं और अब ये जो बिल थे कानून बन गए हैं। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से तीन बिल सरकार की तरफ से मानसून सत्र में लाए गए थे किसानों को लेके, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खेती बिल जिस तरीके से लागू करेंगे वहां पर किसान आत्मनिर्भर होंगे गांव में, और जिस तरीके से उनको रोजगार संबंधी कई दिक्कतें होती थी, वो अपने अनाज को बेच नहीं पाते थे, अब मंडी जाने की बजाय कहीं पर भी बेच सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा, केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने जब बिल को सहमति दी, राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया कि गांव को इससे ताकत मिलेगी, जो गांव के किसान है वो ताकतवर बनेंगे। वहीं जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे, आज भी ये विरोध देखने को मिला दिल्ली के राजपथ पे। कुछ किसानों ने, कुछ प्रदर्शनकारियों ने जो किसानों की बात करते हैं उन्होंने ट्रैक्टर जला दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों की तलाश की जा रही है, लेकिन फिर भी विरोध हर जगह हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब में भी आज अकाली दल की ओर से सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आज देश का काला दिन है, इसके लिए पंजाब में विरोध प्रदर्शन होंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरफ से भी ये कहा गया है कि कांग्रेस इसका बिल का पूरी तरीके से विरोध करेगी, इसलिए आज पंजाब में वो खुद प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है वो तो विरोध कर ही रहे थे, साथ में अब जो एनडीए की बात की जा रही थी बीजेपी की ओर से, एनडीए में भी कहीं ना कहीं अब ट्रेन लग गई है। शिवसेना के बाद अब जो अकाली दल है वो भी एनडीए से अलग हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया शिवसेना के जो नेता है संजय राउत की ओर से, जो जिस गठबंधन में शिवसेना नहीं है, अकाली दल नहीं है, वो एनडीए से था। जी बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए विरोध प्रदर्शन काफी देखने को मिले और प्रखर होकर अपनी आवाज किसान उठाते आए, विपक्षी दल भी उठाते आए, और अभी भी आप कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन तस्वीरों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की ओर से सहमति मिल गई है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, अब ये जो बिल है अब ये कानून का रूप ले चुके हैं, देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से इम्प्लीमेंट कराए जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि जो एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है, यहाँ पर इस राज्य में इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा, किसानों को कहीं ना कहीं इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये बिल लागू नहीं किया जाएगा। बाकी स्टेट पे राज्यों के सीएम की तरफ से अलग अलग टिप्पणी आएगी, ये भी हो सकता है कि राजस्थान में भी इस बिल को लागू ना किया जाए। बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए लगातार जो विरोध है वो प्रखर होता जा ही रहा है और इस तरीके की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, लेकिन यही बात होती है कि जब युवाओं से जुड़ा कोई मुद्दा होता है या फिर किसानों से कोई जुड़ा मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी होती है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी,